नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हजारों धर्म मौजूद हैं, इन्हीं में से एक धर्म है बौद्ध धर्म। दोस्तों, ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म को माना जाता है। दरअसल बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो आज से करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के द्वारा भारत में शुरू किया गया था और आज दुनिया के 7% से ज़्यादा आबादी यानी करीब 54 करोड़ से ज़्यादा लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं। तो दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, आखिर इसके सिद्धांत और शिक्षाएं क्या हैं, बौद्ध धर्म में क्या कमियां हैं और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए काले रहस्यों को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि जब हमारे देश में सनातन धर्म हुआ करता था, उसी के बाद बौद्ध धर्म की शुरुआत भगवान गौतम बुद्ध ने की। कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म आज से करीब 2500 साल पहले 480 ईस्वी के आसपास लुम्बिनी नाम की एक जगह पर इक्ष्वाक वंश के राजघराने में हुई थी। आज के समय में यह जगह नेपाल के अंदर मौजूद है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और मां का नाम महामाया था, जो कोली वंश से ताल्लुक रखती थी। जन्म के समय गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जबकि बौद्ध धर्म की प्राप्त हो जाने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन बड़े ऐशो आराम से गुजरा, क्योंकि उनके पिता उनके ऊपर दुख और पीड़ाओं को नहीं देखना चाहते थे। दरअसल जन्म के समय गौतम बुद्ध के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि आगे चलकर यह अपने पिता की राजगद्दी और राजपाट को नहीं संभालेंगे, बल्कि इसकी जगह पर वे लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने का काम करेंगे। और यह भविष्यवाणी सुनने के बाद राजा शुद्धोधन काफ़ी चिंतित हो गए। इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया कि वे सिद्धार्थ को एक ऐसा जीवन देंगे जो पूरी तरीके से खुशियों से भरा होगा, संसार के दुख व पीड़ाएं उन्हें छू भी नहीं पाएंगी। यही वजह थी कि गौतम बुद्ध ने अपना शुरुआती जीवन आलीशान महलों में रहकर बिताया, जहां उनकी हर एक इच्छा पूरी की जाती थी। यहां तक कि राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की सेवा में लगे बूढ़े, बीमार और बदसूरत दिखने वाले नौकरों को महल से निकाल दिया था और उनकी जगह जवान बहुत सुंदर नौकर ही गौतम बुद्ध की सेवा में लगाए जाते थे। दोस्तों, उनकी सेवा में लगा कोई भी नौकर उनसे जीवन की सच्चाई और दुखों के बारे में कोई बात नहीं करता था, जिसके चलते गौतम बुद्ध को कभी यह पता ही ना चल सका कि इंसान के जीवन में दुख जैसी भी कोई चीज़ होती है, बल्कि उन्हें तो लगता था कि दुनिया में खुशियों के अलावा कुछ और नहीं होता। यहाँ तक कि दोस्तों, उनकी पसंद की एक सुंदर लड़की से उनकी शादी करवा दी गई, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध को अपनी जीवन से कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने अपने जिंदगी के 28 साल महल में ऐशो आराम भोग कर बिता दिए, लेकिन जीवन के 29वें साल में जब वह पहली बार महल के बाहर निकले तो जिंदगी की हकीकत ने उन्हें रूबरू कराया। कहा जाता है कि जब वे महल के बाहर निकले तो पहली बार उन्हें एक बूढ़े, बीमार, दुखी और मरे हुए व्यक्ति को देखा। जब उन्हें पता चला यह सारे दुख दुनिया के हर इंसान को झेलने पड़ते हैं, तो उन्हें जिंदगी की असली सच्चाई का एहसास हुआ, जिसको जानने के बाद वे खुद को पूरी तरीके से दुखी महसूस करने लगे। कहा जाता है इसी तरह एक बार जब वे महल के बाहर घूमने निकले तो उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा खुश और समझदार दिख रहा था। उसको देखते ही गौतम बुद्ध ने तय कर लिया कि वे अपना राजपाट और अपनी लग्जीरियस लाइफ को त्याग करके अपना जीवन इस साधु की भांति बिताएंगे। वह इंसान के जीवन से जुड़ी कठिनाइयों और दुखों का जवाब को दूर करेंगे और अपने जीवन में सन्यासी बनकर के ही जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के 6 वर्ष यानी सन्यास धारण करने के बाद 6 साल तक पेड़ पौधों,
की पत्तियां और फल खा करके ही अपना जीवन गुजारा। कहा जाता है कि वह मेडिटेशन यानी ध्यान लगाते हुए इतनी गहराई पर चले जाते थे कि उन्हें कई दिन तक खाने पीने का होश नहीं रहता था और कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर कंकाल के जैसा नजर आने लगा। दोस्तों, एक दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इसी तरीके से ध्यान लगा रहे थे, तभी उन्हें सच्चे ज्ञान का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दे तो उसे सभी तरह के कष्टों और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में सब कुछ समय के साथ साथ लगातार बदलता जा रहा है और इंसानों के पास उन चेंजेस को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। यह विचार आते ही उनके मन से मौत का डर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और दोस्तों, जिस अवस्था में बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है, वह तभी इंसान को मिल सकती है जब उसके जीवन से दुख और पीड़ा तथा डर खत्म हो। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ को बोध वृक्ष और उस जगह को बौद्ध गया नाम दिया गया। कहा जाता है कि उस जगह पे आज भी अनेकों बौद्ध धर्म के लोग जाते हैं और उस जगह को देख कर आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अपने इस धर्म को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लोग ये चाहते थे कि वे भी गौतम बुद्ध की प्राप्ति निर्वाण की प्राप्ति करके अपने दुखों से मुक्ति पा लें। इसके लिए उन्होंने 4 नियम बनाए जिन्हें फॉलो करके दुनिया का कोई भी इंसान निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इन नियमों को 4 नोबल ट्रुथ यानी 4 आर्य सत्य कहते हैं। इन्हीं 4 नियमों पर पूरा बौद्ध धर्म आधारित है। तो चलिए जानते हैं मित्रों उन 4 नोबल ट्रुथ यानी आर्य सत्यों के बारे में। गौतम बुद्ध ने कहा, किस तरह यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। सुख का ना मिलना, सुख को पाने का प्रयास करना और सुख मिल जाने के बाद उसको बरकरार ना रख पाना हर चीज़ के दुख का कारण है। यानी इंसान के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पूरा जीवन दुखद ही दुखद है। यह दुख मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म के जरिए दुख का यह क्रम लगातार चलता रहता है। नंबर दूसरे पर उन्होंने बताया कि दुख का समुदाय होता है। दोस्तों, दूसरा आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में दुनिया के अलग अलग कारणों से कई प्रकार के दुख हैं और इंसान इच्छा और मोह के बंधन से बंधा हुआ है, जिसके कारण उसे दुख के समुदाय का भोग करना पड़ता है। तीसरा आर्य सत्य था दुख निरोध। तीसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया कि इंसान के लिए दुखों का अंत संभव है, क्योंकि दुनिया में मिलने वाले दुखों का कारण इंसान खुद ही होता है। अगर इंसान चाहे तो वह गौतम बुद्ध की तरह अपनी इंद्रियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। और अंतिम आर्य सत्य था दुख निरोध मार्ग। 4 पे है दुख निरोध। जी हाँ, नंबर 4 का दुख निरोध मार्ग के अनुसार गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है अगर वह अष्टांगिक मार्ग पर चले। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग को बताया और कहा कि जो भी व्यक्ति इन पर चलता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं अष्टांगिक मार्गों के बारे में। मित्रों, भगवान बुद्ध ने ही अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्यों को मानना, जीव हिंसा न करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये शारीरिक सदाचरण हैं। इसके अलावा बुद्ध ने वाणी के सदाचरण का पाठ भी पढ़ाया, जिसमें मनुष्यों को झूठ ना बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलने की शिक्षा दी गई, लालच नहीं करना, द्वेष नहीं करना, सम्यक दृष्टि रखना, ये सभी सम्यक दृष्टि के उदाहरण हैं। अगला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प। चित्त के राग द्वेष से नहीं करना चाहिए, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। करुणा, मैत्री, मुदिता, समता रखना और संकल्प लेना, सदाचरण करने का संकल्प लेना ही हमारा सम्यक संकल्प कहलाता है। अगला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वाणी।
चमकवाड़ी में आता है सत्य बोलने का अभ्यास करना, मधुर बोलने का अभ्यास करना, धर्म चर्चा करने का अभ्यास करना। बौद्ध धर्म इंसान को मधुर वाणी सिखाता है। अगला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत में आता है प्राणियों के जीवन की रक्षा का अभ्यास करना, चोरी ना करना, पर स्त्री गमन नहीं करना। अगला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीविका। मेहनत से आजीविका अर्जन करना, पांच प्रकार के व्यापार नहीं करना, जिनमें शस्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, विष का व्यापार, इन सभी से हमको दूर रह करके ही अपनी जीविका कमानी है। अगला है अष्टांगिक मार्ग सम्यक व्यायाम। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का अभ्यास करना, शुभ विचार पैदा करने वाली चीज़ों को मन में रखना, पापमय विचारों के दुष्परिणाम को सोचना, उन वितर्कों को मन में जगह न देना, उन वितर्कों को संसार स्वरूप मानना, गलत वितर्क मन में आए तो निग्रह करना। अगला सम्यक दृष्टि में है सम्यक स्मृति। अगला है सम्यक समाधि। तो दोस्तों, ये थे हमारे गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए सम्यक ज्ञान के बारे में। कि आखिर दोस्तों, आपको बता दें कि अष्टांगिक मार्ग के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, गौतम बुद्ध निर्वाण हासिल करने के बाद 45 साल तक जीवित रहे और यह 45 साल उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में इधर उधर घूमकर अपनी शिक्षा में समय में लगा दिया। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बनते गए और इस तरह दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई। सन 420 में जब गौतम बुद्ध का देहांत हो गया, उनके फॉलोअर्स ने बौद्ध धर्म को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह धर्म पूरे एशिया में फैल गया। खास तौर से ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बौद्ध धर्म ने अपने सबसे मजबूत पकड़ बनाई। दोस्तों, यह एक ऐसा धर्म था, इसे अलग अलग लोग अपनी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने खुद के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में हमें अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग तरह के बौद्ध धर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी को इस धर्म की दो मुख्य शाखाएं थेरवाद और महायान के रूप में जाना जाता है। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है, जिसमें पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का पालन होता है। इस बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स महात्मा बुद्ध को देवता नहीं बल्कि एक महापुरुष मानते हैं। यहाँ तक कि इनके धार्मिक समारोह में बहुत पूजा भी होती है। फिर के बाद इनका विस्तार लंका, कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों में किया गया। वहीं महायान बौद्ध धर्म की बात करें तो इनके फॉलोअर्स मानते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों के निर्वाण मार्ग को अकेले प्राप्त करना संभव नहीं, अतः उन्हें हमें इस काम में सहयोग करना चाहिए। महायान शाखा में प्रेरणा और सहायता के लिए बोधिसत्वों को माना गया और बोधिसत्व वे लोग होते हैं जो निर्वाण पा चुके होते हैं। बौद्ध धर्म की यह शाखा मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, सिंगापुर आदि देशों में देखने को मिलती है। दोस्तों, तिब्बती बौद्ध धर्म में गुरु का बहुत महत्व होता है, जहां इन्हें लामा कहकर बुलाया जाता है और दलाई लामा का नाम आपने सुना होगा कि तिब्बती बौद्ध धर्म के ये लीडर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने जाना बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई रहस्य के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।